नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3 का उदाहरण क्रमांक 14 और उदाहरण क्रमांक 15 को ध्यान से समझना। तो देखिए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में कि यदि हमें तीन बिंदु दिए गए x1, y1, x2, y2 और x3, y3 तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। 1/2 x1 y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और हमने एक सवाल में ये भी पढ़ा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आता है तो इसका मतलब जो तीनों बिंदु हैं वो कोई त्रिभुज नहीं बनाते, वो संरेखी होते हैं। तो देखिए, उदाहरण 14 क्या है। k का मान ज्ञात करना है यदि a, b, c तीन बिंदु संरेखी हैं। देखिए, यहां तीन बिंदु दिए गए और तीनों बिंदु संरेखी हैं, इसका मतलब ये होगा कि इन तीनों बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज एबीसी होगा उसका क्षेत्रफल जीरो होगा। तो देखिए, हमने लिखा यहां पे हमें तीन बिंदु ए बी सी दिए गए और तीनों बिंदु संरेखी हैं, और संरेखी हैं इसका मतलब है इनसे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल जीरो होगा। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला तो हमें पता है कि 1/2 होता है और x1 y2 - y3 होता है प्लस x2 y3 - y1 होता है प्लस x3 y1 - y2। ये तो फार्मूला सब लोगों को याद हो गया होगा, हमने बताया था, तरीका भी याद करने का, बराबर जीरो है तो जीरो लिखा। अब देखिए, पहला बिंदु x1 y1 कहलाता है, दूसरा बिंदु x2 y2 कहलाता है, तीसरा बिंदु x3 y3 कहलाता है। सबके मान हम रखते हैं 1/2। x1 का मान है 2 तो 2 लिखा, y2 का मान है k तो k लिखा, फिर -y3 का मान -3 और एक माइनस ये है तो माइनस और माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस x2 का मान कितना है 4 है, y3 का मान माइनस का 3 है, माइनस y1 का मान 3 है तो 3 लिखा, प्लस x3 का मान कितना है 6 है, y1 का मान है 3 तो यहाँ 3 लिखा, माइनस y2 का मान यहाँ कितना है k है, और फिर बराबर में 0 चल रहा है। और आगे सॉल्व करते चलिए, तो 1/2 यहाँ पे देखिए, अब के 2 का k से गुणा, 2 k और 2 का 3 से गुणा तो 2 × 3 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 और -3 माइनस के 6 हो गए, -6 का 4 से गुणा कर दो तो 6 × 4 = 24। अब यहाँ 6 का 3 से गुणा किया जाए तो 6 × 3 = 18, 6 का k से गुणा करोगे 6 के हो जाएंगे, और बराबर में 0 चल रहा है तो 0 लिखते चलना है। अब देखिए, 1/2 है यहाँ पे, और आगे देखिए यदि, तो यहाँ 2 के प्लस के 6 के माइनस के हैं तो यहाँ पे माइनस के 4 के यहाँ बच जाएंगे। अब यहाँ 18 और 6 प्लस के हैं 24 हो गए, और 24 माइनस के हैं तो 24 में से 24 अलग हो जाएंगे, और यहाँ बराबर चल रहा है 0। अब देखिए, यहाँ पे माना जाता है गुणा, तो 2 से ये संख्या कट जाएगी तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 तो यहाँ माइनस के 2 के बराबर 0 प्राप्त होगा। अब देखिए, यहाँ माइनस का 2 के आया है, प्लस का होना चाहिए तो माइनस चिन्ह से आप गुणा कर दोगे तो यहाँ 2 के बराबर 0 आएगा, क्योंकि माइनस से गुणा करोगे प्लस का होगा, और 0 चाहे माइनस का लिखो या प्लस का कोई अंतर नहीं होता, के बराबर 0 और 2 गुणा में जो थे वो बटे में आएंगे। अब यदि हम 0 में 2 का भाग देंगे तो k का मान कितना मिल जाएगा 0, और हम अंत में लिख देंगे अतः k का अभीष्ट मान 0 है। इस प्रकार से उदाहरण 14 कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला उदाहरण 15, यदि a बिंदु, b, c और d 4 बिंदु हमें दिए गए और ये चारों बिंदु क्या हैं, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष है, तो अब हमें
इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला तो हमें पता नहीं है, हमें तो केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पता है। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ध्यान से समझना। देखिए कोई चतुर्भुज बनाए, मान के चलिए वो इस प्रकार से बना होगा जिसका नाम हम लिख देते हैं ए बी सी डी लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ एक चतुर्भुज है, चार बिंदु हैं और हम तो केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक विकर्ण को मिला देंगे। एक विकर्ण चाहे हम एसी मिला लें या बीडी मिला लें। अब देखिए जैसे ही हमने विकर्ण बीडी बनाया तो दो त्रिभुज बन गए हैं, एक तो ए बी डी बन गया है, दूसरा बी सी डी बन गया है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो पूरा चतुर्भुज बन जाएगा। तो देखिए हम लिखेंगे यहां ए बी सी डी क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं, और यदि हम बी को डी से मिलाते हैं तो दो त्रिभुज हमें ए बी डी और बी सी डी प्राप्त होते हैं, मतलब हमारा चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। अब हम एक बार ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब हम ए बी डी मतलब ए बिंदु बी बिंदु और डी बिंदु से बनने वाले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए हम क्षेत्रफल का फार्मूला डायरेक्टली लगाएंगे, पहला बिंदु एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु एक्स टू वाई टू, तीसरा बिंदु एक्स थ्री वाई थ्री होगा। तो देखिए एक बटे दो लिखा और अब इस फार्मूले में डायरेक्ट मान रखेंगे, ये फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो देखिए यहाँ एक्स वन का मान है माइनस का पांच और फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू कितना है माइनस का पांच है और फिर माइनस वाई थ्री कितना है वो भी पांच है और फिर प्लस एक्स टू, एक्स टू का मान कितना है माइनस चार है, तो माइनस चार लिखा। फिर हमें करना है वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री कितना है पांच है, फिर माइनस वाई वन कितना है सात है, प्लस अब हमें एक्स थ्री का मान चार रखना है और इसके बाद वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन कितना है सात, तो सात लिखा, माइनस वाई टू कितना है माइनस पांच, एक माइनस ये है तो माइनस और माइनस प्लस के पांच यहां पे हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको मान रखने होंगे। अब आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए एक बटे दो लिखा और यहां माइनस के पांच, माइनस पांच और माइनस पांच माइनस के दस हो गए, माइनस के चार हैं, पांच माइनस सात करेंगे माइनस दो होगा चार, सात और पांच जोड़ेंगे तो बारह हो जाएंगे। और आगे के स्टेप में हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे माइनस पांच माइनस दस का गुणा पचास प्लस के हो जाएंगे, माइनस और माइनस फिर हो जाएगा प्लस, चार गुणे दो करेंगे आठ और बारह का चार से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा अड़तालीस आ जाएगा। और आगे सॉल्व करते चलें तो एक बटे दो, यहाँ पचास और आठ और अड़तालीस सबको जोड़ेंगे तो एक सौ छह हो जाएंगे और यहां माना जाएगा गुणा क्योंकि कोष्टक लगा था। अब यदि हम दो से 106 को काट देंगे तो फिर आ जाएगा त्रेपन आ जाएगा, त्रेपन वर्ग मात्रक जो है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल आ गया। तो अभी हमने ए बी डी का क्षेत्रफल निकाला है, अब हम बी सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमने लिखा कि बी सी और डी से बनने वाले त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, अब फिर हमें इस फार्मूले में डायरेक्ट मान रखना है। तो देखिए एक बटे दो, अब की बार पहला बिंदु एक्स वन वाई वन ये होगा, एक्स टू वाई टू ये होगा, एक्स थ्री वाई थ्री ये होगा। तो एक्स वन का मान कितना है माइनस का चार है और फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई टू का मान है माइनस छह, माइनस वाई थ्री का मान है पांच और फिर प्लस एक्स टू करना है तो प्लस एक्स टू का मान है माइनस का एक और फिर कोष्टक में y3 माइनस y1, y3 का मान है पांच
माइनस वाई वन, वाई वन का मान -5 और एक माइनस ये है तो प्लस के 5 हो जाएंगे। फिर प्लस X3 करना है, X3 का मान कितना लिया जाएगा, 4 लिया जाएगा। और y1 माइनस y2, y1 का मान माइनस का 5, फिर माइनस y2, y2 का मान -6, एक माइनस ये है तो प्लस के 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से सभी हमने मान रखे और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां पे माइनस के 4, -6, -5, -11 हो गए और यहां माइनस का 1 है। 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10 प्लस 4 माइनस के 5 प्लस के 6, मतलब 1 बचा होगा यहां पर। और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 -4 का गुणा -11 से तो प्लस के 11 चौके 44, माइनस 1 का 10 से गुणा तो माइनस के 10 और यहाँ 4 एकम 4 होगा। अब देखिए यहाँ 44 और 4 प्लस के तो हो गए यहाँ पे 48 हो जाएंगे, यहाँ प्लस के माइनस 10 करेंगे, 48 में से 10 घटाएंगे, 38 बचा होगा और यहाँ गुणा माना जाता है। 2 से 38 को काटेंगे तो 19 बार कटेगा तो 19 वर्ग मात्रक हो गया त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, एक का 53 और एक का आया है 19। अब लेकिन हमें तो निकालना है चतुर्भुज ABCD का, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अतः है चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो देखिए एक त्रिभुज का आया है 53 और दूसरे का आया है 19, और दोनों त्रिभुज जब मिल जाते हैं तो बन जाता है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल आप कर देंगे तो 72 हो जाएगा और इकाई वर्ग मात्रक में लिखी जाती है, तो फिर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 72 वर्ग मात्रक। इस प्रकार से उदाहरण 15 का